नमस्कार, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर खोज खबर कार्यक्रम। आपको, मुझको और हम तमाम भारतीयों को हार्दिक धन्यवाद देना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उनकी सरकार को, पूरी टीम को, कि उनकी कर्मठता की वजह से भारत दूसरे नंबर पर जा पहुंचा है। और हाल यह रहे तो जल्द ही हम टॉप पर होंगे, अमेरिका को भी पिछाड़ देंगे, ठीक उसी तरह से जैसे हमने ब्राजील को पिछाड़ा है। सही समझा आपने, हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय कोरोना ग्राफ का। आपको पता ही होगा कि इस समय भारत के पास एक और गौरवान्वित चीज है कि हम सबसे तेजी से नए नंबरों के साथ, कोरोना मरीजों के साथ विश्व में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। मोदी जी भी करें तो क्या करें, एक मंत्री कहते हैं कि आप पापड़ खाइए, दूसरे सांसद कहते हैं कि आप हनुमान चालीसा का जाप करें, तीसरी सांसद कहती हैं, बाकी नेता कहते हैं कि आप तभी कोरोना से मुक्त हो पाएंगे जब देश में राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा, यानी कि बस 2-3 साल और ऐसे ही मरते रहिए, राम नाम जपते रहिए। वैसे भी 5 अगस्त से देश में लहर चलने वाली है राम मंदिर के निर्माण की, और इस निर्माण की पूरी मशीनरी जिस तरह से सरकार ने उड़ेल रखी है, जिस तरह से चारों तरफ से पूरा का पूरा पैसा, ध्यान, सब कुछ उधर जा रहा है, उससे वाकई लगता है कि कोरोना मामले में हम और आप राम भरोसे रह गए हैं। ऐसे में आप भी सोचते होंगे कि जब इतने उपाय हैं, गौमूत्र से लेकर, गोबर से लेकर, देवों की गोलियां से लेकर, तब जब भाजपा नेताओं को, मुख्यमंत्रियों को कोरोना होता है तो वे अस्पताल क्यों जाते हैं? उन्हें तो ये तमाम चीजें करनी चाहिए और कोरोना से मुक्त हो जाना चाहिए। देश में जो अंधविश्वास की लहर चल रही है जिस तरह से, वह बेहद खतरनाक है। ये लोग खुद जब होते हैं तब तो जाते हैं 5 सितारा होटल में, वहां के भी वीडियोस ये लोग वायरल करते हैं, वहां से भी वीडियोस आपके सामने आते हैं, लेकिन हमें पता है कि जब आम भारतीय नागरिक अस्पताल में भर्ती होने के लिए भी दम तोड़ देता है, अस्पतालों में पानी भरा हुआ है, कोई सुख सुविधाएं नहीं है, बुनियादी वेंटिलेटर्स नहीं है, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स नहीं है, तब हम किसका नाम लें, आम भारतीय नागरिक किसे पुकारे? आप देखिए तो दो तरफ ध्यान है खाली सरकार का। एक तरफ जिसका हम जिक्र कर चुके हैं कि राम मंदिर के निर्माण के लिए टाइम कैप्सूल से लेके पता नहीं क्या क्या चीजें मीडिया में ब्रीफ की जा रही हैं, और वहीं दूसरी तरफ लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। भीमा कोरेगांव मामले में 12वीं गिरफ्तारी हुई, और वह हुई एसोसिएट प्रोफेसर हैनी बाबू की, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाते थे। जाति विरोधी आंदोलन के बहुत प्रमुख चेहरा हैनी बाबू रहे हैं। दिल्ली में तमाम अध्यापक, बुद्धिजीवी, छात्र जानते रहे हैं कि उन्होंने कितनी मशक्कत से ओबीसी रिजर्वेशन के लिए काम किया। उन्होंने ऐसे तमाम पहलुओं पर काम किया, सक्रिय भूमिका निभाई, किताबें लिखी जिन पर अक्सर बात नहीं होती। अब आप देखिए यह जो पूरा का पूरा मामला जिस तरह से बिल्डअप किया गया, जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी की गई, हालांकि उनकी गिरफ्तारी को लेकर अंदेशा काफी समय से चल रहा था जब उनके घर में पुणे पुलिस पूछताछ के लिए पहुंची थी। यहां पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने उन्हें 23 जुलाई को मुंबई में तलब किया था। 23 जुलाई से वे वहां थे, जैसा कि उनकी पत्नी ने बताया। 23 जुलाई से लेकर 6 दिन तक उनसे बहुत ही पूछताछ चली, तमाम घंटों घंटों बैठे रहे, और जो उनकी पत्नी है जेनी रोवीना, जो दिल्ली के मिरांडा हाउस में पढ़ाती हैं, उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से इन 6 दिनों में लगातार एक दबाव बनाया जा रहा था कि वह किसी का नाम ले लें, कुछ और लोगों के नाम भी उगलवाने की कोशिश उनसे की जा रही थी, बकौल उनकी पत्नी। उन्होंने कहा, दे वॉन्टेड हिम टू इम्प्लीकेट मोर पीपल। 44 साल, महज 44 साल के हैं हैनी बाबू, और उनकी जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, इसके विरोध में दिल्ली विश्वविद्यालय के, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों का, अध्यापकों का
सामने आना, बड़े पैमाने पे बुद्धिजीवियों का सामने आना और यह कहना कि यह डिसेंट को दबाने की कोशिश है, बहुत ही वाजिब सवाल है। आप देखिए कि एनआईए ने क्या बयान जारी किया, उनकी गिरफ्तारी के बाद जो बयान जारी किया उसके हिसाब से हैनी बाबू एमटी नक्सल गतिविधियों, नक्सल और माओवादी गतिविधियों को, विचारधारा को प्रचारित कर रहे थे और बाकी गिरफ्तार लोगों के साथ वे को कॉन्स्पिरेटर सह साजिश करता थे। यह आरोप एनआईए ने उन पर लगाया है गिरफ्तारी के बाद जो उनका बयान जारी हुआ है वह है। यहां हम आपको याद दिला दें कि महाराष्ट्र के पुणे के कोरेगांव भीमा युद्ध की 200वीं जयंती मनाई जा रही थी, वर्षगांठ मनाया जा रहा था 31 दिसंबर 2017 को। यह मामला 2017 को दिसंबर के आखिरी दिन से है, वहां पर उस समय हिंसा भड़की थी और ये जो तमाम गिरफ्तारियां देश भर में हुई हैं ये 12वीं गिरफ्तारी है। यह सारी गिरफ्तारी इसी नाम पर, और इसे बताया गया कि जो एल्गार परिषद जिसने आह्वान किया था इस वर्षगांठ का, वे साजिश थे वहां पर हिंसा की। लेकिन यहां पर यह याद करना बहुत जरूरी है कि ये जो कोरेगांव भीमा युद्ध हुआ था इसे कौन लोग मनाते हैं, इसे मनाया जाता है दलितों के द्वारा। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीत हासिल की थी, युद्ध में अपनी जीत का जश्न दलित मनाते रहे हैं। 31 दिसंबर 2017 को भी इसी तरह का एक जश्न बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा था क्योंकि 200वीं वर्षगांठ थी और वहां पर हिंसा हुई और हिंसा करने वालों के नाम भी उस समय सामने आए। दलितों पर हमला हुआ, एक की मौत हुई, कई लोग घायल हुए और उस समय जो नाम सामने आया था वह नाम सामने आया था संभाजी भिंडे का, जो कि आरएसएस से बहुत करीबी से जुड़े हुए हैं, मोदी भी उनका जिक्र करते रहे हैं। और आप देखिए कि पूरा का पूरा मामला जो दलितों पर एट्रोसिटी का था वह किस तरह से बदल गया और आज की तारीख में 12 लोग गिरफ्तार हैं। इन 12 लोगों में से कौन कौन वहां था, कौन कौन नहीं था, यह सारे अलग अलग ब्यौरे हैं जो आप तक गाहे बगाहे पहुंचते रहे होंगे। हम दोबारा आपको खाली याद दिलाना चाहेंगे कि कौन कौन लोग अंदर हैं। इसमें जो सबसे जिन पे चर्चा हो रही है अभी हाल के दिनों में वह क्रांतिकारी कवि जिनकी उम्र 80 साल है, वरवरा राव, उनकी, जो खुद जेल में थे और उन्हें कोरोना हो गया है, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। सुधा भारद्वाज जो वकील रही हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता रही हैं और लंबे समय से डिस्प्लेसमेंट के खिलाफ काम करती रही हैं, वह भी बीमार हैं, वह भी जेल में हैं, उनकी बात होती रही है। शोमा सेन जो नागपुर विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग की अध्यक्ष थी, हेड थी, वह गिरफ्तार हैं। और गौतम नौलखा गिरफ्तार हैं जो पत्रकार हैं, लेखक हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। आनंद तेलतुंबड़े गिरफ्तार हैं जो कि दलित चिंतक हैं, पढ़ाते रहे हैं अलग अलग विश्वविद्यालयों में, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में उनके लेख प्रकाशित होते रहे हैं। और सुधीर धालवे हैं जो राइटर हैं, एक्टिविस्ट हैं, और महेश राउत हैं जो कि विस्थापन एक्टिविस्ट हैं, बहुत ही कम उम्र में उनकी गिरफ्तारी हुई। वकील अरुण फरेरा हैं, एक्टिविस्ट वरुण गोंसाल्विस हैं, कैदियों के अधिकारों पर काम करने वाले रोना विल्सन हैं और लेखक और वकील सुरेंद्र गाडगिल हैं। ये तमाम लोग इस समय भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार हैं। हैनी बाबू की गिरफ्तारी का तमाम लोग विरोध कर रहे हैं, जो उनसे पढ़ते थे छात्र वे सामने हैं, जो उनके सहपाठी हैं वे सामने हैं, जो उनके साथ पढ़ाते थे वे सामने हैं। और सारे लोगों का एक ही सवाल है कि जिस तरह से जब खुद एनआईए कह रहा था पिछले साल रेड डाली थी और उनको कुछ नहीं मिला था, उसके बाद आखिर इस तरह की गिरफ्तारी क्यों? मशहूर लेखिका और चिंतक अरुंधति राय ने कहा है कि हैनी बाबू समेत तमाम एक्टिविस्टों की गिरफ्तारी से मौजूदा सरकार का डर सामने आया। आइए चलिए देखते हैं कि भारत का जो तेजी से नंबर बढ़ता जा रहा है उसके पीछे की कहानी क्या है। इस बारे में न्यूज क्लिक के एडिटर इन चीफ प्रबीर पुरकायस बहुत ही सरल शब्दों में समझाते हैं, ग्राफ दिखाते हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं उनके साथ कि आखिर तमाम दावों के बावजूद, ताली से लेकर थाली के बावजूद, भारत में नए मामले लगातार क्यों बढ़ रहे हैं और कहां
भारत पहुंचेगा। सबसे आगे इस वक्त अमेरिका जरूर है, टोटल केसेस उनकी करीब 4.5 मिलियन के लगभग हो रहा है, मतलब 43 लाख 44 लाख के बीच में वो इस वक्त है। पर जो चिंताजनक बात यह है कि न्यू केसेस जो है, जैसे हम वर्ल्ड मीटर की आपका तस्वीर दिखा रहे हैं, टेबल है, न्यू केसेस में हम अमेरिका के ठीक पीछे हैं, जब बल्कि हमारे फिगर्स, टोटल फिगर्स काफी कम है, पर न्यू इन्फेक्शंस का फिगर करीब करीब अमेरिका जैसा ही है, उनको 56,000 है, हमारा 50,000 है। अगर हमारे चार्ट पे जाएं, जो हमारी पहले आपको दिखाते हैं ग्लोबल चार्ट्स जो हमारी है, उसमें अगर आप देखेंगे तो हम देखिए न्यू केसेस की चार्ट्स देखते हैं। टोटल केसेस तो अब जानते ही है क्या है, पर न्यू केसेस की चार्ट्स अगर देखेंगे हमारी जो रफ्तार है बढ़ने की, वो अमेरिका से इस वक्त ज्यादा है। हम और ब्राजील करीब करीब न्यू इन्फेक्शंस परसेंटेज के तौर पे पूरे फिगर्स के बेस जो है टोटल केसेस, उस पे कितने न्यू केसेस अगर देखें, तो न्यू केसेस की रफ्तार ब्राजील और हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा है इस वक्त, ज्यादा जो इन्फेक्टेड देश है उनको अगर हम देखें। तो ये दर्शाता है कि न्यू केसेस जो कि इस वक्त बीमारी की रफ्तार बताता है, उस पे हम अमेरिका के पास पहुंच रहे हैं और हो सकता है कि हम अमेरिका को ओवरटेक कर ले थोड़े ही चंद दिनों में, कि हमारे नंबर्स केसेस की, न्यू केसेस की नंबर जो 56,000 और 50,000 है, 56,000 अमेरिका के, 50,000 हमारा, तो इसमें हो सकता है कि हम इसको ओवरटेक कर ले। इसका मतलब हमारी हालत इस वक्त दुनिया में नाजुक देशों में गिना जाना चाहिए, और अमेरिका के अगर कंपैरिजन हम कर रहे हैं किसी चीज से, ये अच्छी बात नहीं है कि दुनिया मानती है कि अमेरिका इस वक्त, उसका नाम बदल के प्लेगिस्तान भी कह सकते हैं, कि इतने बड़े पैमाने पे मौत और कहीं नहीं हुआ, इतने बड़े पैमाने पर ये बीमारी नहीं फैली है। जहां एक तरफ राम मंदिर के निर्माण, उसके शिलान्यास को लेकर हंगामा बरपा है, मीडिया में लगातार खबरें आ रही हैं, वहीं एक खबर उसी प्रदेश से आई है, आगरा से। आगरा से कुछ ही किलोमीटर दूर एक दलित महिला की मौत हो जाती है। यह दलित महिला नट समुदाय की है और उसका परिवार उसकी चिता को जलाने के लिए पहुंचता है शमशान घाट। देखिए इस वीडियो को और समझिए कि इस उत्तम प्रदेश में, इस रामराज प्रदेश में दलितों का क्या हाल है। लाश चिता पे रखी है, छोटा सा बेटा 6 साल का लाश को आग लगाने के लिए आग जला चुका है, और तब तक आते हैं गांव के ठाकुर और वे कहते हैं कि एक नट को इस तरह से नहीं जलाया जा सकता, यहां नहीं जलाया जा सकता। दबाव बनाते हैं और लाश को चिता से हटा दिया जाता है। 10 किलोमीटर दूर परिवार को मजबूर किया जाता है महिला की लाश को ले जाने के लिए, और दलितों के लिए जो जगह बनी हुई है वहां पर उस लाश को जलाया जाता है। जब हम बात कर रहे हैं उस समय तक इस मामले में किसी पर FIR हुई नहीं, होने की गुंजाइश भी बहुत कम है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि परिवार कुछ भी करने को तैयार नहीं है, उसने शिकायत नहीं की। जो परिवार, जो पति अपनी पत्नी को ठीक से जला नहीं पाया, जो ठाकुरों का इतना दबाव था, आपको लगता है वह यहाँ तक आगे पहुंच पाएगा? और देखिए उस पे जो ठाकुर हैं वो क्या कह रहे हैं, यही नियम है, यही नियम चलना चाहिए। यही हमारा सवाल है कि जो रामराज बनाने की बातें, बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, उसके नियम क्या होंगे? दलितों की जगह क्या होगी? भारतीय नागरिकों की जगह क्या होगी? इन सवालों को हम आपकी मदद से इसी तरह से उठाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ क्लिक, लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए सच को जिंदा रखने की हमारी कोशिश। शुक्रिया।